हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम मिनी चॉकलेट केक बनाएंगे इन जस्ट 5 मिनट। इस वीडियो को आप बिना स्किप के लास्ट तक देखें तो आप भी ऐसे चॉकलेट केक सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। इसमें कुछ ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। तो बिना देरी किए चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बर्बन बिस्किट का एक पैकेट लिया है। बिस्किट को क्रश करते हुए ग्राइंडिंग जार में डालना है। क्रीम के साथ ही हम बिस्किट को ग्राइंड कर लेंगे। बिस्किट का पाउडर अब हम एक बोल में डाल देंगे जिसमें कि हमें केक बैटर बनाना है। नाउ ऐड शुगर पाउडर 3 स्पून। शुगर पाउडर को मैंने घर के स्पून से ही मेज़र किया है। शुगर आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। नाउ मिक्स बोथ। दोनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे मिल्क ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 कप मिल्क लिया है। अब नॉर्मल घर के चाय के कप से भी मेज़र कर सकते हैं। मिल्क हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए सेम डायरेक्शन में मिक्स करते जाएंगे। बैटर आपको ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाना है। थोड़ा थिक बैटर बनता है इस केक के लिए। नाउ आई एम एडिंग बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। मैंने लेवल करके 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। नाउ ऐड बेकिंग सोडा 2 पिंच, दैट मीन्स 1/4 टीस्पून। अब इन दोनों के ऊपर आपको थोड़ा सा 2 स्पून मिल्क ऐड करना है जिससे कि दूध में बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी आप बिस्किट केक बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा सबसे लास्ट में ऐड करें, साथ में उसके ऊपर मिल्क डाल दें जिससे कि आपका बिस्किट केक हमेशा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनेगा। तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ एसेंस, 3 ड्रॉप्स ऑफ चॉकलेट एसेंस। मिक्स इट। लास्ट में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मिक्स करना है। थोड़ा सा मिल्क कम लग रहा है तो मैं और ऐड कर दी हूँ। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं अप्पे पैन लूँगी। इस केक को हम अप्पे पैन में इसलिए बना रहे हैं, जस्ट 5 मिनट में केक हमारा रेडी हो जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनेगा। सबसे पहले आपको ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लेना है। फॉर मेकिंग केक यू हैव टू टेक अ नॉनस्टिक अप्पे पैन। अप्पे पैन आपका नॉनस्टिक होना चाहिए। नाउ ऐड केक बैटर इन अप्पे पैन। केक बैटर को पूरा ऊपर तक मैंने अच्छे से फिल कर दिया है। अब इसे बेक आपको लो फ्लेम पे करना है। फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम भी नहीं, बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे 3 to 4 मिनट मैं बेक कर लूँगी। आफ्टर 4 मिनट हम एक बार चेक कर लेंगे। तो मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए 4 मिनट के बाद ही बिल्कुल बनकर रेडी है। अब एक बार हम पलट कर भी 1 मिनट और सेक लेंगे। तो मैं इन सब को पलट लूँगी। अब हम अगेन कवर कर देंगे और दूसरे साइड से भी ये बहुत अच्छे से ही बेक हो जाएंगे। जस्ट फॉर 1 मिनट रखना है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं रखना है। इस केक को बनने में टोटल 5 मिनट लगते हैं। आप 3 मिनट के बाद एक बार ज़रूर चेक कर लें, हो सकते हैं आपके 3 मिनट के बाद ही बन जाएं। तो इस केक को मैं तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक बना है। आप भी इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़ प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। आप मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। सो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन माई चैनल। थैंक यू।